Yes, hello students, how are you? I hope you all are fine. Today we will discuss our chapter number 8 of moral value. Chapter name is gratitude. Okay, what is the meaning of gratitude? Gratitude means the quality of being thankful. Okay, so let's start. We do many things in our lives and sometimes insignificant things which help us to achieve something great in life. हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ करते हैं ओके और कभी कभी इनसिग्निफिकेंट मीन्स टू स्मॉल या फिर जो अन इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं वो हमें कुछ ग्रेट अचीव करने में अपनी लाइफ में हेल्प करती हैं बट वी नाइदर रियलाइज देयर इम्पॉर्टेंस नॉर एप्रिशिएट देम बट हम उनकी इम्पॉर्टेंस को क्या करते हैं समझते नहीं उन्हें रियलाइज नहीं करते हैं एंड उन्हें अप्रिशिएट भी नहीं करते हैं We take notice of them only when we like them and so we take notice of them only when we like them. Okay, जब हम उन पर तभी ध्यान देते हैं जब हमारे पास उनकी क्या है उन things की कमी होती है और they affect our work या फिर वो हमारे काम को क्या करती है affect करती है प्रभावित करती है For example, we do not realize the importance of good health until we fall sick. For example, हम अपनी जो अच्छी हेल्थ है हमारा अच्छा स्वास्थ्य है उसकी इंपॉर्टेंस को हम तब तक रियलाइज नहीं करते हैं जब तक कि हम बीमार नहीं हो जाते हैं ओके We should have the habit of appreciation. हमें appreciate करने की प्रशंसा करने की दूसरों की जो तारीफ करने की जो आदत है वो हमें डालनी चाहिए ओके Our gratitude should reflect in two directions. Gratitude towards God and towards everybody with whom we are associated. Okay, जो हमारा gratitude है या जो हमारी quality है being thankful होने की किसी को thank करने की okay तो वो two direction में reflect करती है. Gratitude towards God हमें God को thank बोलना चाहिए जो भी उन्होंने हमें दिया है and toward everybody with whom We are associated. और जिनसे भी हम कनेक्टेड हैं जिन पीपल से भी हम कनेक्टेड हैं जिन पर्सन से हम कनेक्टेड हैं उनको भी हमें क्या करना चाहिए उनके लिए भी हमें अपना ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए थैंक यू बोलना चाहिए Once upon a time there were 10 beepers. Their bodies were completely white. So, यहाँ पर इसी से रिलेटेड ग्रेटिट्यूड से रिलेटेड हम एक स्टोरी डिस्कस करेंगे उनके सो एक बार क्या थे वहां पर 10 लेपर्स ओके लेपर मींस अ पर्सन सफरिंग विद लेप्रसी ओके इट्स अ डिजीज लेप्रसी इज कॉज्ड बाय इंफेक्शन विद द बैक्टीरिया ओके इट्स इंफेक्शियस डिजीज एंड इट्स अफेक्ट द स्किन हैंड्स एंड फीट ओके So their bodies were completely white. उनकी जो बॉडी थी वो पूरी तरह से कैसी हो गई थी सफेद हो गई थी They were living together because the society did not accept them. और जितने भी लीडर्स थे वो सब एक साथ रहते थे because जो society है समाज है वो उन्हें accept नहीं करते थे उन्हें अपनाते नहीं थे People treated them as untouchables. और जो लोग थे वो उन्हें untouchable means ऐसे person जिन्हें कि हम touch नहीं करते हैं okay untouchable या अछूत जो लोग हैं उनकी तरह उनके साथ treat करते थे behave करते थे In olden days, leprosy was treated as an untouchable disease. Okay, पुराने समय में olden days में जो leprosy थी कुष्ठ रोग जिसे हम कहते हैं उसे एक untouchable disease समझा जाता था ओके ऐसा कोई भी person जो कि leprosy से suffer कर रहा है तो लोग उसे touch नहीं करते थे But now educated people are aware of the reality. But आजकल जो educated people हैं पढ़े लिखे जो लोग हैं वो अब इसकी जो reality है वो अच्छे से समझते हैं Still some people do not behave properly with the person having this disease. पर अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस disease से suffer कर रहे हैं या ऐसे लोग जिनको ये disease है उनके साथ में properly behave नहीं करते हैं अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं One day these leapers were sitting and talking. एक दिन ये जो लीपर्स थे ये बैठे थे एंड बातें कर रहे थे One of them suggested
There is a holy man in the ashram in the nearby villages. तो उनमें से एक व्यक्ति ने सुझाव दिया कि पास ही के गांव के आश्रम में एक बहुत ही होली मैन मीन पवित्र व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति संत रहते हैं। ही हैज द पावर ऑफ क्योरिंग लेप्रसी और उन्होंने लेप्रसी को इस कुष्ठ रोग को ठीक करने की पावर है उनके पास। सो दे प्लान टू गो देयर फॉर ट्रीटमेंट। सो उन्होंने अपने इलाज के लिए अपने ट्रीटमेंट के लिए वहां जाने का उन्होंने प्लान किया योजना बनाई। दे गॉट अप अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग एंड रन टू द होली मैन। तो अगली सुबह वो सब जल्दी उठे अर्ली मॉर्निंग एंड वो होली मैन के पास गए थे एंड प्रेड टू हिम टू क्योर देयर डिजीज और उनसे उनकी बीमारी को ठीक करने की उनके रोग को जो ठीक करने की का उनको उनसे क्या किया उन्होंने उनसे हेल्प मांगी। द होली मैन गेव देम सम हर्ब एंड आस्क देम टू अप्लाई इट ऑन देयर बॉडी। तो जो होली मैन थे जो धार्मिक व्यक्ति थे उन्होंने कुछ हर्ब्स दी कुछ जड़ी बूटियां दी और उन्होंने बॉडी पर लगाने के लिए अप्लाई करने के लिए कहा। दे टुक द हर्ब एंड वेंट बैक। वो जड़ी बूटी या जो हर्ब्स थी वो ली और वापस चले गए। After some days, their disease was cured. और कुछ दिनों के बाद में उनकी जो बीमारी थी उनका जो रोग था वो बिल्कुल ठीक हो गया। All the time lepers started living happily. और जितने भी time lepers थे उन्होंने happily रहना शुरू कर दिया। Among those 10 lepers, no one except one who was a poor man thought of going and thanking the holy man. Okay, but उन 10 lepers में से किसी ने भी ऐसा नहीं किया कि जो भी व्यक्ति थे एक गरीब व्यक्ति के अलावा कोई भी उन 10 lepers में से उस होली मैन के पास में जाने का उन्होंने नहीं सोचा और उनको थैंक यू बोलने के लिए नहीं सोचा। Okay, सिर्फ एक जो पुअर मैन था उसने ऐसा सोचा कि उसे होली मैन को थैंक यू करना चाहिए। सो ही वेंट टू हिम एंड एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेटिट्यूड। तो वो उनके पास गया होली मैन के पास और अपना जो ग्रेटिट्यूड था थैंक यू जो उन्हें कहना था वो उन्होंने होली मैन को थैंक यू बोला। द होली मैन रिप्लाइड यू आर अ मैन ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो होली मैन ने उनको क्या रिप्लाई किया कि आप क्या हैं मैन ऑफ ग्रेटिट्यूड तो मीन्स कृतज्ञता के ग्रेटिट्यूड के पर्सन है मीन्स आप में वो क्वालिटी है कि आप दूसरों के लिए थैंकफुल होते हैं। दिस शोज योर हाई रैंक और यही आपकी हाई रैंक को आपके उच्च पद को दर्शाता है शो करता है एंड यू विल ऑलवेज बी रिस्पेक्टेड एंड ब्लेस। ओके एंड इसी क्वालिटी की वजह से आप हमेशा रिस्पेक्टेड रहेंगे एंड ब्लेस रहेंगे। So children never forget to show your gratitude towards others. इसलिए बच्चों हमें दूसरों के प्रति gratitude show करने में okay कभी भी हमें भूलना नहीं चाहिए। दूसरों के लिए अपना जो gratitude है वो हमें show करते रहना चाहिए। Always be grateful to other और हमेशा दूसरों के आपको grateful means आभारी रहना चाहिए। कोई भी आपके लिए आपकी help कर रहा है किसी वक्त भी तो आपको उनको हमेशा thank you बोलना चाहिए अपना gratitude show करना चाहिए। Grateful people are loved and respected. Okay, और जो आभारी लोग होते हैं दूसरे लोगों के लिए gratitude show करते हैं grateful होते हैं तो उन्हें हमेशा सम्मान और प्यार दिया जाता है। Clear? So here is our chapter number 8 is completed. I hope you all understood. So thank you so much.